गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज आकाश राघव। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेसन ही अभी चल रहा है और इस लेसन की वीडियो हम आपको पार्ट में डिवाइड करके भेज चुके हैं। और हमारा आज का जो पार्ट में आज को हम जो टॉपिक बता रहे हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारे जो टॉपिक हैं जिनको हमें क्लियर करना है, पहला टॉपिक हमारा सिस्टमैटिक्स है, दूसरा हमारा टैक्सोनॉमी है, तीसरा हमारा कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, चौथा हमारा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है और हमारा पांचवा टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है और स्पीसीज की जो है संकल्पनाएँ और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ये टॉपिक हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और पढ़ेंगे कि ये सारे टॉपिक क्या हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने आपको लाइफ के डोमेन सिस्टम बताए थे। लाइफ के डोमेन सिस्टम में विद्यार्थियों, उसमें आपको मैंने पांच डोमेन सिस्टम बताए थे, इसमें आपको बताया था और एक छठा डोमेन सिस्टम मैंने बताया था, वूज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विद्यार्थियों, जो लाइफ में जो डोमेन सिस्टम थे, जो हमारे संसार में जो प्लांट हैं जिनकी इतनी सारी संख्या में डाइवर्सिटी है, उसको कितने ग्रुपों में बांटा है, कितनी क्लासों में उनको क्लासिफाइड किया है, तो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग ईयर में वैज्ञानिकों ने इन प्लांट्स का क्या किया, ग्रुप बना दिया और डाइवर्सिटी के अनुसार, संख्या के आधार पर, इनके लक्षणों के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया। विद्यार्थियों, जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? सिस्टमैटिक होता है एक ऑर्डर, सिक्वेंस। अगर हम कोई भी चीज़ है स्टूडेंट, जैसे प्लांट हैं, अगर किसी सिक्वेंस में लगाएंगे, चाहे उनकी हाइट के अनुसार लगाएं, चाहे उनके लक्षणों के आधार पर लगाएं, चाहे उनके बॉडी शेप के आधार से लगाएं, चाहे उनके कलर के आधार पर लगाएं, आप चाहे उनकी मूवमेंट हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, किसी के आधार पर आप उनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाते हैं, तो एक ग्रुप बना लेते हैं। आप क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? एक ग्रुप बना लेते हैं, यही सिस्टम क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका सिस्टमैटिक्स कहलाता है। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब क्या हैं? उनको समानता और असमानता के आधार पे उनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्या कर दिया, उनको ग्रुप बना के उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? आपकी सिस्टमैटिक कहलाती है। सिस्टमैटिक जो शब्द है स्टूडेंट, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया है? ग्रीक भाषा से। तो सिस्टमैटिक शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, एक ऑर्डर के अनुसार चलता है, एक क्रम के अनुसार चलता है, जितने भी जीव प्लांट है वो सब क्रम के अनुसार लगाए जाते हैं और ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को पढ़ने में और उनका अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो। जैसा कि स्टूडेंट हमारा जो सेकेंड जो टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी, वो बताते हैं आपको। देखिए विद्यार्थियों, टैक्सोनॉमी जो हमारा जो टॉपिक है सेकेंड, टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट? टैक्सो शब्द का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और नॉमी का मतलब लॉ, नियम के अनुसार आपको अरेंजमेंट करना है। किसके अनुसार? नियम के अनुसार आपको अरेंजमेंट करना है प्लांटों का। अगर कोई नियम नहीं होगा तो आप बिना नियम के तो कोई काम नहीं करते हैं, बिना रूल के। हम जो भी काम करते हैं नियम के अनुसार चलते हैं, आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक क्या करते हैं, जो वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं उसके अनुसार क्या होता है, सारे नियमों पर हम लोग अपनी लाइफ का भी, जो जीवन के जो हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट हैं, वो भी फॉलो नियम के अनुसार ही करते हैं, हम रूल के अनुसार चलते हैं। तो इसी हिसाब से जो टैक्सोनॉमी स्टूडेंट, टैक्सो का मतलब अरेंजमेंट होता है और नॉमी का मतलब लॉ होता है। तो लॉ का मतलब होता है कि नियम, आपको नियम के अनुसार प्लांटों को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं उनमें समानता और असमानता के आधार पर ग्रुप बनाइए, तो ग्रुप बना दिए वैज्ञानिकों ने, तो ग्रुप बनाने के बाद में उनको एक नियम के अनुसार अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? उन ग्रुप को क्या करा, एक नियम के अनुसार अरेंज कर दिया, तो सिस्टम क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। स्टूडेंट, जो सिस्टमैटिक्स जो है, कैरोलस नाम के एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने स्टूडेंट 1735 में
सिस्टम है नेचुरी, सिस्टम है नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन सभी जीवों का वर्गीकरण किया गया था और उनको एक सिस्टम के आधार पे उनको इसमें इंक्लूड किया गया था। तो कैरोलस नामक वैज्ञानिक थे, ये टैक्सोनॉमी के फादर भी हैं। ये क्या है? फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है, और टैक्सोनॉमी, टैक्सो मतलब अरेंजमेंट, नॉमी मतलब लॉ, तो नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना है प्लांटों का और जितने भी ऑर्गेनिज्म है। और कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने, उन्होंने 1735 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी। उस सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने इन जीवों का जो वर्गीकरण किया है उनको इंक्लूड किया था। और कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के कौन है? फादर हैं। इन्होंने ही नियम दिए हैं और नियम के आधार पर समानता असमानता के आधार पर प्लांटों के ग्रुप बना दिए और ग्रुप बना के इन्होंने प्लांटों को अरेंज कर दिया। और कौन सी पुस्तक में इन्होंने ग्रुप बना के ऐड किया? सिस्टम है नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने उनका वर्गीकरण प्लांटों का किया। स्टूडेंट हमारा जो थर्ड टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज हमारा क्या है? थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको इसमें सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी बता चुका हूं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की संकल्पना। तो जाति की जो संकल्पना है स्टूडेंट्स, तो जितने भी हमारे संसार में प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, चाहे जीव हैं, सबके ग्रुप बने हुए हैं। और जाति की, जाति सबसे छोटी इकाई है समूह की। क्या है? एक जाति सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। एक स्पीसीज क्या चीज है स्टूडेंट्स? एक यूनिट है। और स्पीसीज शब्द को जॉन रे 1993 में, स्पीसीज क्या है स्टूडेंट्स? तो यूनिट स्पीसीज एक सबसे इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है हमारे समूह की। और जॉन रे ने 1693 में स्पीसीज शब्द दिया था। तो विद्यार्थियों, जो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है कि हमारे संसार में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे प्लांट हैं, इतने सारे एनिमल हैं, तो इसमें सबकी जाति तो एक सी नहीं है। अब स्टूडेंट, सबकी समानता असमानता जो वेरिएशंस हैं, सभी जातियों में अलग अलग होते हैं, सभी के लक्षण भी अलग होते हैं। आप फिश को देख लीजिए, डॉग को देख लीजिए, आप जितने भी एनिमल्स हैं और जो जीव हैं, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ह्यूमन बॉडी देखिए आप, ह्यूमन बॉडी में क्या है? सबकी स्पीसीज क्या है? जाति सबकी अलग अलग है और सबकी जाति अलग है। तो क्या हुआ? उनकी जाति के अनुसार उनके जो होते हैं लक्षण, बिहेवियर, सबका क्या है? अलग अलग होता है। तो जाति के अनुसार सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं स्टूडेंट। तो जाति एक समूह है, तो उस जाति में, समूह में उसी जाति के, उसी वर्ग के व्यक्ति रखे जाते हैं। तो स्पीसीज शब्द जो दिया था वो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने 1693 में दिया था। स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे जो वैज्ञानिक आए थे हमारे, वो कैरोलस लीनियस थे। कैरोलस लीनियस ने 1735 में, स्टूडेंट जॉन डे के बाद में 1693 में इन्होंने स्पीसीज शब्द दिया, और कैरोलस लीनियस ने 1735 में स्पीसीज शब्द को यूज किया। और इन्होंने अलग अलग प्लांटों की, अलग अलग एनिमल्स की क्या कर दी? जातियां बना दी। अब स्टूडेंट, जातियां बना दी तो सब जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबको अलग अलग जाति के ग्रुप में रख दिया और उस जाति के अनुसार उनको पहचाने जाने लगा। उनको हम पहचानते हैं जाति के अनुसार,
तो ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं स्टूडेंट जिनको हम जाति के अनुसार पहचान सकते हैं, सबकी जाति अलग होती है। तो ये जाति का जो शब्द का यूज करा था वो 1735 में कैरोलस लीनियस ने किया था, और जाति शब्द जो दिया था वो जॉन रे ने 1693 में उन्होंने स्पीसीज को दिया, बताया कि स्पीसीज कोई एक प्लांट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्पीसीज है, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने कहा था। लेकिन स्पीसीज को यूज़ किसने किया, वो कैरोलस लीनियस ने करा 1735 में, और 1735 में ही कैरोलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टम में नेचुरल इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक में इन्होंने जो स्पीसीज सब यूज़ किया था, प्लांटों के ग्रुप बनाए थे, और इस पुस्तक में उन्होंने इसका अंतर इसके वर्णन किया है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे और बहुत सारी फैमिली हैं जो आपको इसमें वर्णन आपको मिलेगा, और ये पुस्तक आपको कैरोलस लीनियस को पढ़ने को मिलेगी स्टूडेंट। इसके बाद में स्टूडेंट थर्ड नंबर पे डॉब्स हैंस की डॉब्स हैंस्की ने 1937 में तो डॉब्स हैंस्की वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, उन्होंने 1937 में क्या करा, 1735 के बाद में 1937 में डॉब्स हैंस्की वैज्ञानिक आए, उन्होंने जातियों व प्राणियों का समूह बनाया, जातियों का उन्होंने ग्रुप बना दिया, प्राणियों का समूह बना दिया। तो उन्होंने 1937 में जाति व प्राणियों का समूह बनाया डॉब्स हैंस्की ने। इसके बाद स्टूडेंट फोर नंबर पे जो आए थे मेयर 1942 में, स्टूडेंट्स 1942 में जो मेयर नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो मेयर ने 1942 में क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि जो जातियां बढ़ रही हैं, सब कुछ कीजिए कि जातियों का ग्रुप बना दिया, तो मानो कि दो एक जाति में दो व्यक्ति हैं, उनकी जातियां बढ़ गईं, तो वो कैसे बढ़ गई स्टूडेंट। तो इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जातियों का निर्माण होता है, और जातियाँ बढ़ती हैं, और जातियाँ बढ़ जाती हैं तो पूरे ग्रुप पूरी फैमिली का निर्माण हो जाता है। तो ये बात किसने बताई कि जातियाँ कैसे बढ़ती हैं, तो जातियाँ जो बढ़ती हैं उन्होंने बताया था, मेयर ने 1942 में बताया था कि जो जातियों में जो व्यक्ति होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनकी वजह से उनका समूह बढ़ता है और जाति की संख्या बढ़ती है। स्टूडेंट्स तो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में जो स्पीसीज क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है, और हमारा स्पीसीज बनाने का जाति बनाने का एक उद्देश्य था कि जातियों को पहचाना, जो समूह हैं बनाई थी हमने, और जो प्राणी हैं समूह में रखे हैं उन प्राणियों को हम पहचान सकें, उन प्राणियों को पहचान सकें, इसीलिए स्पीसीज को जॉन रे ने स्पीसीज शब्द दिया था, और कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज को 1935 में शब्द को यूज़ किया, और डॉब्स हैंस्की ने 1937 में प्राणियों का समूह बना दिया, जाति बना दी। जैसे मनुष्य जाति में और भी जातियां होती हैं मनुष्य की, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कितनी सारी जातियां होती हैं, उन सभी जातियों के ग्रुप बने हुए हैं, और उन ग्रुपों के अनुसार उन प्राणियों को जाना जाता है, पहचाना जाता है कि ये इस ग्रुप का व्यक्ति है। सपोज कीजिए से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण एक जाति है, यादव है, यादव एक जाति है, सक्सेना, ये सब एक जाति हैं, ठाकुर, ये सब एक क्या है, जाति हैं, और इन जातियों में क्या है, ग्रुप में प्राणी हैं। तो प्राणी हम पहचानेंगे कैसे, उनके पीछे सरनेम लगा होता है, तो सरनेम के द्वारा हम उनकी जाति को बता सकते हैं कि ये प्राणी इस जाति के या इस समूह का व्यक्ति है। तो ये डॉब्स हैंस्की ने 1937 में प्राणियों का समूह बनाया। उसके बाद में मेयर आए थे, उन्होंने 1942 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि इन्होंने ये कहा था जो समूह बने हैं, जो जातियों के समूह हैं, उन समूह में जो संख्या बढ़ रही है,
जो संख्या बढ़ रही है इस धरती पे, इस जगत पे डाइवर्सिटी बढ़ रही है, विभिन्नता है, तो वो कैसे है? तो उन्होंने कहा था कि ये प्राणी जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से ही इनकी जातियों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, और इनकी जातियों के में जो समूह बने हुए उन समूह में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जिससे कि एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। जैसे आप मनुष्य जाति में देख लीजिए, जीवों में देख लीजिए, प्लांटों में देख लीजिए, आपको क्या है इनकी जाति के प्लांट, जैसे रोज है तो रोज की जो प्लांट की जाति है तो उसमें बहुत सारे रोज के प्लांट मिलेंगे आपको। इसी प्रकार से बहुत सारे प्लांट अपनी जाति में समूह बना रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, मनुष्य में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एनिमल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं। और हम लोग कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, तो मल्टीसेलुलर होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रुप में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों, तो कंसेप्ट और स्पेसीज आपको मैंने बता दिया कि जाति और प्राणियों का समूह, मेयर ने 1942 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, ये जरूरत क्यों है स्टूडेंट, ये तो बहुत ही जरूरत है। बिना क्लासिफिकेशन के तो व्यक्ति का क्लासिफिकेशन, प्लांटों का क्लासिफिकेशन, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है। स्टूडेंट, जैसा कि हम बात करें कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो इसकी जरूरत क्यों है, क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो इन प्लांटों को पहचानेंगे कैसे, जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनको पहचानेंगे कैसे अगर हम क्लासिफिकेशन ना करें, अगर उनके ग्रुप ना बनाए, उन्हें जातियों में डिवाइड ना करें, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इनको पहचानने के लिए हमें जाति में रखना पड़ेगा, समूह बनाने पड़ेंगे, और इनको क्लासिफाइड करना पड़ेगा इनके लक्षणों के आधार पर, किसी न किसी लक्षण के आधार पर इनको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने तो दो कोड बनाए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए दो कोड बनाए स्टूडेंट। प्लांट्स के लिए जो कोड बनाया था वो ICVN, ये कोड बनाया था ICVN स्टूडेंट। ICVN का कोड का मतलब क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉर्मल क्लेचर, नॉर्मल क्लेचर, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉर्मल क्लेचर, तो दो कोड बनाए, तो ये इस कोड में इन्होंने वर्गीकरण जितने प्लांट से वो इस कोड में इन्होंने रखा। और जो एनिमल्स के लिए कोड था स्टूडेंट्स, वो था हमारा कोड ICZN, तो ICZN का भी यही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो प्लांट्स के लिए भी एक कोड दिया ICVN और एनिमल्स के लिए भी एक कोड दिया ICZN, तो इसमें एनिमल्स को रखा और इसमें प्लांट्स को रखा। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में दो कोड बनाए और इन कोड में इनको अंतर्गत प्लांट्स और एनिमल्स को रख दिया। क्लासिफिकेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत है स्टूडेंट, क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन का, अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं प्लांट्स और एनिमल, तो आप क्लासिफिकेशन के द्वारा ही पहचान सकते हैं, इनकी जातियों को देख सकते हैं। वैसे अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करें इन सारी चीज़ों का, तो नहीं पहचान सकते। इसके बाद में स्टूडेंट, जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो स्टूडेंट
क्लासिफिकेशन का महत्व तो बहुत है हमारे लाइफ में, जीवों के लाइफ में, प्लांट की लाइफ में। तो इसमें हम कुछ पॉइंटों के रूप में इसका क्लासिफिकेशन का महत्व तो पढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला पॉइंट जैसे कि आपको दे रखा है इजी मेथड ऑफ स्टडी। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो हम उसका अध्ययन बहुत ही अच्छे सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इजी मेथड ऑफ स्टडी, तो हम जो क्लासिफिकेशन प्लांटों और एनिमल्स का कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उनका अध्ययन बहुत सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं स्टूडेंट। हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, नॉलेज ऑफ एनिमल ओरिजिन। इसका मतलब ये स्टूडेंट, नॉलेज ऑफ एनिमल ओरिजिन की मतलब क्लासिफिकेशन जो हमने किया है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि एनिमल्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमें इसके बारे में साइडिंग में ये पता चलता है स्टूडेंट। थर्ड हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट, नॉलेज ऑफ नेचर एफिनिटीज। एफिनिटीज़ बंधुता होते हैं स्टूडेंट। तो इस क्लासिफिकेशन से हमें ये पता चलता है स्टूडेंट, इस थर्ड हेडिंग का मतलब ये है कि जो बंधुता है वो नेचर के द्वारा प्लांटों की कैसी है, जो रिलेशनशिप है हमारा नेचर के द्वारा कैसा रिलेशनशिप है, एनिमल्स का कैसे रिलेशनशिप है, प्लांट्स है उनका कैसा रिलेशन है, वो कैसे एटमोसफेयर से अपना संबंध बनाते हैं, तो हम इसका मतलब ये है स्टूडेंट। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, नॉलेज ऑफ एनिमल अडेप्टेशन। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि जो एनिमल्स हैं वो अडेप्टेशन कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं वातावरण के अनुसार, किसी समुदाय के अनुसार। आप किसी परिवार में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह के व्यक्ति होते हैं, तो आपको वहाँ के अनुकूलन, वहाँ के वातावरण के अनुसार आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को अडेप्टेट, मतलब अडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन, अनुकूलित करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप ठंडे एरिया में जाइए, जो एनिमल्स हैं वो गर्म पानी में जाते हैं या ठंडे पानी में रहते हैं, तो वो अपने आप को अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, अडेप्टेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एनिमल्स की जो हमें जानकारी होगी वो क्लासिफिकेशन में ही जानकारी पता चलेगा, क्लासिफिकेशन से ही पता चलेगा कि वो कैसे अपने आप को अडेप्टेट करते हैं, उनकी एटमॉस्फेयर से कैसे एफिनिटीज़ होती हैं, दूसरे प्लांटों से कैसे एफिनिटीज़ होती हैं एनिमल से, और उनकी एनिमल्स की ओरिजिन कैसे हुई है, और सरल तरीके से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। स्टूडेंट ये फोर्थ पॉइंट में ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लोज होता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आज का जो हमारा जो टॉपिक थे, आपको सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कराए हैं। और स्टूडेंट आप लोगों से मैं आशा करूँगा कि ये आपको पांचों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और अगर ये स्टूडेंट ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए। और स्टूडेंट जो भी कोई अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों से बस यही आशा करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में।